हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एन साइडेड पॉलीगन के जो डायगोनल है वो फाइंड करना देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के पॉलीगन्स हैं वो जैसे कि ट्रायंगल है, थ्री साइडेड फिगर, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, हेप्टागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, नोनागन हो गया और डेकागन हो गया। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स पॉलीगन्स हैं। अगर हमें एन साइडेड पॉलीगन्स के डायगोनल फाइंड करने हो तो उसके लिए जो हमारा डायरेक्ट फार्मूला है डायगोनल निकालने का वो है एन ब्रैकेट एन माइनस थ्री अपॉन टू। यहाँ पर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स को। एन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ साइड्स को। और अगर हमें डायगोनल फाइंड करना हो तो हम इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। अब जैसे कि यहाँ पर थ्री साइडेड फिगर है ट्राइंगल, यहाँ पर n क्या हो गया हमारा? n जो है यहाँ पर 3 हो गया। तो अगर हमें इसके डायगोनल फाइंड करने हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो था n n माइनस थ्री अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करूँ तो ये हो जाएगा 3 माइनस थ्री अपॉन 2। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3 माइनस थ्री करेंगे 0 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स होते हैं? 0। अब इसी तरीके से हमें क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल फाइंड करने हो तो हमारे पास यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ साइड है 1, 2, 3 एंड 4। तो n तो हमारा 4 हो गया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो था n n माइनस थ्री अपॉन में 2। तो यहाँ पर 4 वैल्यू पुट कर दी, 4 माइनस थ्री अपॉन 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 4 × 1 अपॉन 2, कैंसिल आउट किया तो कितना आ गया? 2। तो यहाँ पर कितने डायगोनल हैं? 2 डायगोनल हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, इसमें कितनी साइड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हमारे पास n हो गया 5। तो यहाँ पर फॉर्मूला है n n माइनस थ्री अपॉन में 2। तो n की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 5 माइनस थ्री अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ आ गया हमारे पास 5। तो इसमें कितने डायगोनल हो जाएंगे? 5 डायगोनल्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें साइड देखते हैं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो n हमारा हो गया 6। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो 6 ब्रैकेट 6 माइनस 3 अपॉन में 2। तो ये क्या हो जाएगा? 6 × 3 अपॉन 2, 2 से कैंसिल किया 3 × 3 = 9। तो इस फिगर में कितने डायगोनल हो जाएंगे हमारे पास? इसमें हो जाएंगे 9। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है अ रेगुलर पॉलीगन हैज 20 साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ द पॉलीगन्स। अब कोई पॉलीगन है जिसकी साइड कितनी है? 20 है। तो हमारे पास n हो गया, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? नंबर ऑफ साइड्स जो n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम वो है 20। तो हमें डायगोनल पूछा गया है, तो डायगोनल फाइंड करने का जो फॉर्मूला था, नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला था वो था n n माइनस थ्री अपॉन में 2। तो यहाँ पर n क्या पुट करेंगे हम? 20। तो ये जाएगा 20 ब्रैकेट 20 माइनस थ्री अपॉन में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 20 × 17 अपॉन 2, 2 से कैंसिल किया तो ये 10 हो गया। तो 10 × 17 कितना होता है? 170। तो 20 साइडेड पॉलीगन में कितने डायगोनल होंगे? 170। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? डायगोनल दिए हुए हैं, द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 14, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन। अब हमें पॉलीगन की साइड फाइंड करनी है और डायगोनल दे रखा है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है डायगोनल का, जो फॉर्मूला है वो था n n माइनस थ्री अपॉन में 2। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना दे रखा है डायगोनल? 14 दे रखा है। तो यहाँ मैंने 14 पुट कर दिया। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास n n माइनस थ्री इक्वल टू 28। अब इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, n स्क्वायर माइनस थ्री एन
इक्वल टू 28, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 28 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो भी हमारा एक्स एन स्क्वायर का कोफिशियंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स निकाल दिए। 28 के फैक्टर्स निकाले, 2, 1, 4, 2 से किया, यहाँ हो जाएगा 7, फिर 7 से किया 1। अब हमें क्या करना है, दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 28 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे माइनस 3 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, 4 × 7, तो हमारा कितना होता है, 28 होता है। और 4 में से अगर 3 माइनस 4 में से 7 माइनस करूँ तो माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर माइनस का हो जाएगा ये हमारा 7n प्लस 4n माइनस 28 इक्वल टू 0। तो n कॉमन लिया तो n माइनस 7, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या बने इसके, n माइनस 7 और n प्लस 4। तो अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे हम, तो n आएगा हमारा, एक प्लस का आएगा 7 और एक आएगा n माइनस का 4। अब साइड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी, साइड्स हो जाएंगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इफ़ द नंबर ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसके डायगोनल जो है उसकी साइड्स के 3 टाइम है, तो बताना है कि उसकी कितनी साइड होंगी। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ साइड्स को ले लिया n, नंबर ऑफ साइड्स को हमने ले लिया n, हमने लेट कराइए, ठीक है, n ले लिया। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है वो हो जाएंगे 3n, क्योंकि उसमें बोला था 3 टाइम होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है वो था n n-3/2, और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना है, 3n है, तो इसको 3n के इक्वल रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा n n-3 = 6n, ब्रैकेट ओपन करूँगा तो एन स्क्वायर माइनस 3n, ये हो जाएगा -6n = 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर -9n = 0। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ एन स्क्वायर -9n = 0 को, तो n तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा n-9 = 0। तो हमारे पास n क्या आएगा, एक तो 0 आ जाएगा और एक n आ जाएगा 9। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स क्या हो गया, नंबर ऑफ साइड्स हो गया हमारे पास 9। तो इस तरीके से हम किसी भी रेगुलर पॉलीगन के डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।